और ये मेरा भाई प्यारा, इसने मुझे न्यारी तवे वाला पराठा चने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया तुम सबका एक अदद और सकलैन ब्लॉग्स के अंदर। सकलैन ब्लॉग्स में होता है तुम सबका खुश आमदीद। तो यार आज का डे फिर मैंने अगेन व्लॉग शुरू कर दिया है। मैंने कहा भाई डेली व्लॉगिंग पे आ जाते हैं, आप सबको इतना वेट कराया, प्लस यूट्यूब भाई मुझे देख के व्यूज अपने बड़ी जो है दुख हो रहा है, सैड हो रहा है। इतनी मेहनत की थी, चैनल भी सही चल रहा था, व्यूज वगैरह इंप्रेशन वगैरह सब सही आ रहे थे, लेकिन कोई नहीं, हर अगेन से मेहनत कर लेंगे। तो आप सबकी मदद की जरूरत है, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। अभी चलते हैं, सबसे पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद ये जाते हैं बियर्ड वाला को थोड़ा ट्रिम कराते हैं, उसके बाद जो नॉर्मल डे की रूटीन होगी वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो तुम सब भाई अभी से जो है ना कमेंट में दिल भेज दो ताकि भाई को थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। अभी नाश्ता वाला बन रहा है, नाश्ता वाला करके ना अभी सुबह सुबह उठे हैं, फिर बियर्ड ट्रिम करा के आते हैं। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको। अब उनका नाश्ता आ गया, अंडा पराठा आ गया, ठीक नाइस, ठीक है। और वो चेक कर सकते हो, ये भी इस टाइम मैं सुबह सुबह मेरे साथ नाश्ता करेगी। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको, नाश्ता वगैरह करके थोड़ी बियर्ड वगैरह ट्रिम कराते हैं, आज की डे की क्या रूटीन होगी वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं। अभी सबसे पहले नाश्ता करके गले को भी ठीक कर लेते हैं। एक बारा हो गया रेडी, मैंने कहा पहले जाके बियर्ड वगैरह ट्रिम करा के आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हुए हैं। और आगे कौन आ रहा है, देसी वेली वेला मुंडा आ रहा है, वेला मुंडा पार्ट टू आ रहा है। राजा साहब इस टाइम अपने कुकर शुकर लेके कौन से चावल काम शुरू किए हुए हैं आपने? बस क्या करें, ये गदरा है वो वाला, उफल्ला जी ये क्या कहाँ से लाए? ये एक बंदा चेक कर ले भाई, राजा साहब पूरा इस टाइम शोक कर रहे हैं। अगर कोई यूट्यूब पे है राजा साहब के साथ लड़ाई करने वाला तो आज है, 1v1 के लिए ओपन चैलेंज है। क्यों जी बाबा जी, चल सो स्टॉप तक हो, मैं जा रहा हूँ दाढ़ी सेट कराने के लिए, मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई है। ठीक है, ये मेरे गांव का सुबह सुबह हसीन व्यू, हसीनो जमील। यार चेक कर लो, अभी मैं आया था इधर खान भाई के पास, ठीक है, खान भाई के पास मैं आऊँ, इनने मुझे नाश्ता कराया, भाई हमारे आ गए ओनर साहब, ठीक है। और ये मेरा भाई प्यारा, इसने मुझे न्यारी तवे वाला पराठा चने। और ये अभी मैं घर से भी नाश्ता कर गया था, आपको पता है, आए मजे, आए 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 आए, लेकिन इधर इनका मोहब्बत फिर मुझे करने पे मजबूर हो गया। नासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत यार बहुत मजा आ गया। अभी जो भी इस इलाके का बंदा अल मदीना रेस्टोरेंट पे आ जाओ, न्यारी इतना मजे का बना है, इतना मजे का पराठा भी, तवे वाला पराठा भी, कोई जवाब नहीं है। अगर मजे का नहीं हो रहा है बिल मैं दे रहा हूँ, अगर मजे का हो रहा है फिर डबल बिल दे रही हूँ, बड़ा हरामी हो बेटा। ये अली साहब आ गए, अली आप आ जाओ, आ जाओ। अली साहब ने मुझे फोन किया, कहते किधर छोड़ा हूँ अली, होटल पे छोड़ रहा हूँ। क्यों होटल पे, क्या करोगे, खेलोगे? आप ही किधर गई है, स्कूल गई है। और वो कौन है, वो संगी है, संगी आप अभी होटल पे नहीं जा सकते हो। अली अपने दांत दिखाओ, टीथ टीथ दिखाओ, टीथ, ये कौन खा गया आपके टीथ, चूहे, ओह चूहे खा गए। अली को होटल पे छोड़ते हैं यार, और वो पीछे संगी भी हमारा खड़ा हुआ है, तो अभी यार यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अली को होटल पे छोड़ के अपनी दाढ़ी वाड़ी ट्रिम कराते हैं, हम करने क्या आए थे और लग क्या पड़े, लेकिन चलो कोई नहीं, कॉन्टेंट निकल आया। फाइनली भाई पहुंच गए हम इतनी असल के बाद, और ये बालों की हालत देख लें, बाल तो हमने थोड़े बड़े करने हैं, लेकिन ये दाढ़ी वगैरह हम सेट करा लेते हैं, और बार्बर के पास पहुंच गए, अभी दाढ़ी वगैरह सेट करा के आपको मिलते हैं यार आगे जाके। कहता है मेरा सैलून चेक कराओ पहले, ये इसका सैलून चेक करो जी, माशाल्लाह रेनोवेट कराया, आ हा हा हा। मैं कहता हूँ जी चस, ये जो ये समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ जाओ। बाकी यह है कि माशाल्लाह यार अल्लाह ताला बरकत डाले इसके काम में, तो अभी ये दाढ़ी वगैरह सेट करा के फिर आपको मिलते हैं, क्या मामला है। जितने मर्जी बड़े हो जाओ, घर से बाहर निकलोगे तो दही लेने मेरी तरह तुम भी जाओगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बूम। तो भाई आपका फुल एच मैक्सी हो के आ गया, बाल भी थोड़े ट्रिम करा लिए, मैंने कहा आए हुए हैं तो बाल भी ट्रिम करा लेते हैं, बार बार क्या रोज़ हैं कि दाढ़ी वगैरह थोड़ी हल्की कराई है, बालों को कलर वगैरह कराया थोड़ा, क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद हैं। तो
अभी वापिस आए हैं, मैंने कहा नहा धो के फ्रेश हो के भाइयों से मिलते हैं, तो लग रहा हूँ ना सेक्सी। अभी खाना वाना खाएंगे, फिर नाना के घर जाना है उनको देखने के लिए। बस आजकल सारे बीमार पड़े हुए, तो तीमारदारी वगैरह सारों की करते हैं। फिर शाम में जिम में जाना है, तो एक व्लॉग जिम का अलग से आएगा। सिर्फ ये डेली रूटीन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, बैक ऑन ट्रैक आ जाऊँ और आप सब भी मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि अभी चैनल पे दोबारा बिल्कुल ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, खैर है, कर लेंगे, आप सबकी मोहब्बत की ज़रूरत है। तो अभी जो है खाना वाना बने, तो फिर आपको मिलते हैं। अब्दुल्ला साहब इधर लेटे हुए, ठीक है, क्या देख रहे हैं, केड़ा बदमाश ये, ठीक है। अभी मैं नाना के घर आ गया हूँ नाना को देखने के लिए, मैंने कहा देख आऊँ, ठीक है। और बाकी अभी इधर आए हूँ, तो अब्दुल्ला साहब इधर अपने लैपटॉप पे लगे हुए, कहते हैं केड़ा बदमाश है, मैं बदमाश हूँ। तो अभी यार मैं इसे कह रहा हूँ कोई ब्राउनीज वगैरह खिलाओ, ऑस्ट्रेलिया का सपोर्टर था, लेकिन ये गरीबों वाली हरकतें कर रहा है। भाई खिला दो ब्राउनीज श्राउनीज, कब बस कब, आज की बात करो, अभी की बात करो, कोई खिला देंगे तुम्हें भाई बंदे हो। केड़ा बदमाश है अभी यार, ब्राउनीज का नाम सुन के पता है मेरी नोजी भाग पड़ती है। आएगा ना टाइम फोन यूज करते हुए खुद को पता नहीं क्या समझ रहा है, नहीं तुम क्या समझ रहे हो खुद को? अच्छा छोटे छोटे मोबाइल यूज करते हैं तो प्रो समझते हैं, देखो देख क्या रहा है, दिखा मुझे टिकटॉक। नहीं हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमें पोटी भी करने का नहीं था पता, अम्मा आके धोती थी। तुम क्या कर रहे हो ये है, बोलो ना, शकल देखो अपनी भैन दी, श्री लेमन मैक्स नाल तो हो गया नाल तारा बीमार। रेडी 1 2 3 गो, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। ये देखो, ओए उठ, ये देखो इसी तरह मार रहा है, अंधा हुआ मैं, ओए 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 मार। मार मार के पिस्ता मार मार। अयान का उतर गया था, तुम्हारा क्या निकल गया मुतर निकल गया। तो अभी हम ब्लाइंड फोल्ड खेलने लगे, ठीक है, इसके साथ मजा आएगा। ओए तू लाई ना, मैं नहीं उतारूंगा। शाबाश बेटा, मैंने ऊपर कर लिया है टेंशन ना लो, चल आ जा आ जा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लगा इधर ना क्यों यार, वीडियो से इतना ना यार यार मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहा था, ये देखो कहाँ पे चढ़ी हुई है, कितनी मस्ती करती हो तुम, ये इसे चेक करो, बैर बेला अलग भोंक रही है, उसे पता है कि अंदर लाड हो रहा है। मैं अपने लगा हूँ फोन पे गाने सुन रहा था, और ये देखो कहाँ पे चढ़ के, अभी उतर भी नहीं रही, उतर जाओ ना। और यहाँ पे मैं करता हूँ अपने व्लॉग को ख़त्म। मैं रात को वहाँ से आया, सो गया, बिल्कुल ही तबीयत ख़राब हो गई थी, और एक बोनस क्लिप छोटा सा अपनी कैट के साथ डाल दूंगा। गला मेरा बिल्कुल इस टाइम बास कर गया है, और नज़ला और बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। अभी मैं चलता हूँ, मुझे दुआ में याद रखना, और उम्मीद करो मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। तुम सबके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और शेयर कर दो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।
मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।